छात्रों, आज हम अध्याय जो 4 हमारा चल रहा है, सामाजिक न्याय, कक्षा 11वीं में उसके भाग 3 के बारे में, उसके और भी जो शेष भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा सामाजिक न्याय है। तो हमें देखना है कि किस प्रकार ये न्याय और स्वतंत्रता, मतलब हमें न्याय पाने के लिए भी स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। तो हम स्वतंत्रता का अर्थ आप गलत रूप से नहीं ले सकते हैं, मतलब हमें स्वतंत्रता भी एक बंधन में होनी चाहिए। तो जितने भी जो सामाजिक न्याय के लिए जितने भी लोगों ने आंदोलन किए, मांग की, वो सब स्वतंत्रता और समानता के कारण ही हुई है। तो न्याय व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता, न्याय का अर्थ आप पढ़ चुके हो शुरू में, कि नागरिकों को अपना संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करना, क्योंकि ये हमारे गणराज्य और हमारे लोकतांत्रिक देश में संभव है। तो हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अपना सर्वोत्तम विकास करने की स्वतंत्रता, तो इसको हम पाने के लिए, हम व्यक्ति बार बार मांग करता है तो इस प्रकार वो भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। न्याय की मांग है कि जैसे एक, देखिए, दोषी व्यक्ति को एक बार से अधिक दंड ना दिया जाए, पर ऐसा संभव नहीं है कि यदि वो बार बार गलती करता तो उसको बार बार दंड देना भी आवश्यक है। किसी को गैर कानूनी तरीके से बिना किसी अपराध किए उसको नजरबंद नहीं कर सकते हैं। तो अपनी संस्कृति, धर्म, भाषा को अपनाने व उसको बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार स्वतंत्रता की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है, इसमें मतदान कर सकते हैं, कोई भी पद के लिए हम प्रत्याशी बन सकते हैं। तो न्याय की स्थापना के लिए भी क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की सीमाएं। तो नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है, इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगता है। ऐसी स्वतंत्रता ना हो कि हमें जैसे रैली निकालना है, कोई राजनीतिक जुलूस निकालना है, तो हम 20 सड़क से निकालने लगे ताकि आवागमन रुक जाए, तो ये ऐसी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी हमें बंधन में रहते हुए परमिशन लेना चाहिए, ताकि हमारी स्वतंत्रता से किसी दूसरी व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई भी आघात ना पहुंचे। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं जो हमें स्वतंत्रता हमें दी गई है, लेकिन उस स्वतंत्रता को पालन के लिए हमें परमिशन लेना, एक नियम पूर्वक हमें बंधना पड़ता है। और सभी व्यक्तियों को कोई भी व्यापार, व्यवसाय और जीविका उपार्जन के लिए कोई भी व्यवसाय चुनने का मौलिक अधिकार स्वतंत्रता है। लेकिन अनैतिक व्यापार, यदि हम कोई गलत व्यापार कर रहे हैं, तो जो हमने उसके लाइसेंस से देखा ना कि ऐसी जगह व्यापार कर रहे हैं जिसका हमने लाइसेंस नहीं लिया, तो ये हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगते हैं। तो ये प्रतिबंध इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारे न्याय की स्थापना सही ढंग से हो सके। अब हम पढ़ेंगे न्याय और समानता। न्याय में दोनों शब्द आते हैं, स्वतंत्रता और समानता। वैसे ये एक ही अर्थ में रहता है। अरस्तु ने तो न्याय को ही क्या बोला, समानता बोला, और लास्की ने क्या बोला, लास्की एक राजनीतिज्ञ थे, समानता से अर्थ है सभी को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार व्यक्ति के विकास के उचित अवसर प्रदान करना। तो अब एक जो भेदभाव है, संरक्षणात्मक भेदभाव। संरक्षणात्मक भेदभाव मतलब समानता और जो न्याय का संबंध है कि बिना भेदभाव के समानता भी व्यावहारिक तथा वांछित नहीं है। न्याय का अर्थ है नैतिक दृष्टि से उचित अंतरों के आधार पर आनुपातिक वितरण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि
लोगों को अपने जीवन को सुधार करने के लिए विशेष सुविधाएं देने के लिए भेदभाव किया जाना न्याय संगत है, नैतिक दृष्टि से उचित है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, संरक्षणात्मक भेदभाव। संरक्षणात्मक भेदभाव इसलिए किया गया कि जो पिछड़े कुछ वर्ग थे, जो पिछड़ गए थे, पिछड़े वर्ग, तो उनको शिक्षा नौकरी में उनको कुछ परसेंट की छूट रहती है उनकी सीटों के लिए, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, बुढ़ापा पेंशन आदि के, ये कहलाती है संरक्षणात्मक भेदभाव। तो इनको इसलिए किया गया ताकि वो भी समाज के वर्गों के साथ आगे बढ़ सके। फिर है न्याय और नैतिकता, ये अभी पढ़ाया था मैं का पूर्व वाले भाग में। तो नैतिकता क्या है, एक मनुष्य के अंदर से कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं, जो अच्छे गुण आ जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं नैतिकता। जैसे कि हमें सत्य बोलना है, तो और ये जो ये मानवीय मूल नैतिकता कहलाते हैं, और मनुष्य की बुद्धि मतलब जो अंतरात्मा है वो सिद्धांतों को अंतिम मूल्य के रूप में स्वीकार कर लेती है, और इसी यही नैतिक मूल्य कहा जाता है कि हमें ईमानदारी से कार्य करना है। तो ये भी है, और इसमें जो गुण आते हैं वो नैतिकता विवेकशील होती है। तो न्याय का मतलब होता है कि समाज के नैतिक मूल्यों से प्रभावित व उनके द्वारा निश्चित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि नैतिकता पर आधारित होना चाहिए न्याय की अवधारणा। नैतिकता और न्याय में समानता एवं अंतर विद्यमान है। नैतिकता एक ऐसा मूल्य है, आंतरिक है, हमारे अंदर से उपजता है, बाह्य कम। नैतिकता मनुष्य के केवल बाह्य से नहीं बल्कि आंतरिक कारणों और उद्देश्यों से संबंधित होती है, और जिसका नैतिक मूल्य अच्छा होगा तो वो व्यक्ति अपने बाह्य आचरण में भी वो चीजें उतारेगा, और इस प्रकार न्याय की स्थापना बहुत अच्छे से हो सकती है। तो नैतिक मूल व न्याय का अर्थ समाज के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित न्याय से लिया जाए, तो न्याय और नैतिकता दोनों अलग-अलग हैं। कानून के सामने जब कोई निर्णय दिया जाता है अदालत में, तो वो ऐसा नहीं है कि हमेशा नैतिकता पर आधारित है। कानून का जो निर्णय होता है वो गवाह के आधार पर होता है, तो उसमें न्याय स्थापित करने के लिए वो नैतिक मूल्य के आकलन सही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो न्याय और नैतिकता दोनों ही मानवीय मूल्य के प्रतिरूप हैं, इसलिए दोनों में घनिष्ठ संबंध है। कहीं कहीं विशेष क्षेत्र में नैतिक और न्यायिक नियम एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। नैतिकता हमें उस वातावरण से प्रभावित होती है, नैतिकता न्याय द्वारा स्थापित होती है, और धीरे धीरे ये न्याय मूल्यों में परिवर्तन होता है, और न्याय और नैतिकता में क्या हो जाता है, संबंध। तो हम कह सकते हैं कि न्याय एक ऐसी चीज है, जैसे रॉस ने कहा था, न्याय का प्रयोग करना अपने दावों और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मेज थपथपाने के समान है। तो हम न्याय की जो मांग है उसको तीन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, औचित्य का समर्थन करके, नियम के आधार पर, प्रचलित सिद्धांतों का नैतिक नियमों के आधार पर। तो न्याय, विवेक, शक्ति और नैतिकता तीनों का मिला जुला रूप है, और उसको नैतिकता को विवेक पूर्ण सत्ता द्वारा नियमित किया जाना ही क्या है, न्याय है। अच्छा, इस पाठ का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार। बाजार मतलब व्यापार। तो राज्य का हस्तक्षेप मतलब उसमें मुक्त बाजार में यदि राज्य का कोई भी हस्तक्षेप से उसको हटा दिया जाए, मतलब राज्य कोई भी उसको ना करे, तो वो कहलाता है मुक्त बाजार। लेकिन ये जो मुक्त व्यापार है इससे कुछ हमें लाभ भी है और कुछ इसमें दोष भी है, हानियां भी हैं। तो सबसे पहले आपको मुक्त बाजार का अर्थ यह है कि बाजार को
राज्य के हस्तक्षेप से क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, तो बहुत ही अच्छे आर्थिक परिणाम प्राप्त होंगे। समाज में लाभ व कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित होगा और योग्य और प्रतिभावान लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा। पर यहाँ कहीं कहीं हानियां भी हैं। यदि हमने राज्य को मुक्त बाजार को राज्य से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, तो क्या होगा कि कुछ मतलब जो दूसरे जो मतलब हमें जिनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती थी वो सारे काम होने लगेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क। मुक्त व्यापार उचित है और न्यायपूर्ण समाज का आधार है, और इसमें जाति धर्म की अपेक्षा किसका पे ध्यान दिया जाता है, प्रतिभा व कौशल पर। और ये वाली जो प्रणाली है तो ये उपभोक्ता को, उपभोक्ता मतलब जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं, मुक्त बाजार रहेगा तो हमें विभिन्न क्षेत्रों से वस्तुएं क्या होंगी, प्राप्त होंगी, और उपभोक्ता को ऑप्शन रहेंगे कि ये बाजार में ये माल भी है इस वैरायटी का, इस सस्ता महंगा, तो उसको अधिक विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। ये जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं से बेहतर होगी। तो ये था पक्ष में तर्क। अब विपक्ष में क्या होगा कि यदि हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो हमारे यहाँ जो स्थानीय सामान है वो मान लो उसकी खरीदी कम होगी, और जो बाहर से सामान आया है वो सस्ता है तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, तो हमारे स्थानीय लोगों को क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये अधिक विकल्प प्रदान करती है, लेकिन इनकी सेवाओं की कीमत चुकाना हर एक के बस में नहीं है। केवल जो बहुत ही समृद्धशाली हैं वो इस विकल्प को चुन सकते हैं। मुक्त व्यापार ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने का इच्छुक रहता है। कमजोर व सुविधाहीन लोग अवसरों से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा जैसे कि स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व सरकार को ही निभाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि न्याय के जो विषय थे उसमें सहमतियां और असहमतियां हैं, और न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के हमने अध्ययन विचार विमर्श द्वारा ही सर्वोत्तम सिद्धांत के चुनाव में मदद मिलती है, और यही है न्याय का असली अर्थ। तो इस प्रकार ये आपका ये सामाजिक न्याय वाला लेसन हो गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है।